हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग तीन सेट खत्म कर चुके थे एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज के। ये चौथा लेक्चर होगा हमारा, सेट फोर। ठीक है, आपको फिर से बता देते हैं, एमपीपीएससी फ्लैश सूची में प्लेलिस्ट बनी हुई है। सूची एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019, उसी लेक्चर में पड़े हुए हैं उसी सूची में। ठीक है, सभी लेक्चर। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन सर जे जे थॉमसन ने किसकी खोज की? तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ई रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की थी। ठीक है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन, भारत में ईसाई धर्म ने कब प्रवेश किया था? तो आपको याद रखना है पहली शताब्दी ईस्वी में। सर्वप्रथम ईसाई धर्म संत थॉमस द्वारा 52 AD में भारत आया। केरल के फिलियूर में स्थित संत थॉमस चर्च भारत का प्राचीनतम चर्च है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना K2। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 किलोमीटर, सॉरी मीटर। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दी गई है? 17 वर्णन किया गया है। ठीक है, 17। पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन NDA में शामिल दल ही है? तो याद रखना आपको बता दें, नहीं है पूछेगा। ठीक है, तो शिवसेना 2019 में अलग हो गई। ठीक है, नवंबर 2019 में इसने नाता तोड़ दिया। छठवा, फीफा का बेलोन डी और अवार्ड 2019 किसे रिकॉर्ड छठवीं बार मिला है? तो याद रखना, लियोनेल मिस्सी। बीजी सज्जनार किस क्षेत्र के प्रतिष्ठित थे? तो याद रखना आपको, पुलिस सेवा। याद रखना, VC सज्जन नार साइबराबाद तेलंगाना के पुलिस कमिश्नर है। आप तुरंत न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये तुरंत न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। वालंगले SP रहते इन्होंने 2008 में 3 आरोपियों का एनकाउंटर किया था और 9 दिसंबर को हैदराबाद दुष्कर्म के 4 आरोपियों का एनकाउंटर इन्होंने किया है। ठीक है, याद रखना। भगवान बौद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में कहाँ है? तो याद रखना, ये नेपाल में की तरह है। ठीक है, बात करते हैं हमें 9वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये गंगोत्री के निकट गौमुख हिमानी से निकलती है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिए यमुना। गोदावरी की कितनी है? 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है नर्मदा की 1312 किलोमीटर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, सर्वाधिक ग्रेट स्लैम जीतने का रिकॉर्ड धारी कौन है? तो याद रखिए, रोजर फेडर, सी ऑप्शन है। 17वीं लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला किस क्षेत्र के सांसद हैं? ठीक है, ठीक है, तो याद रखना, यह है कोटा से, राजस्थान। ठीक, आगे बात करते हैं। और याद रखना, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया टीकमगढ़ के सांसद श्री बीरेन सिंह को। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है।
बारवा है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो याद रखना महमूद गजनबी, बी ऑप्शन है। 13वां क्वेश्चन, विद्या देवी भंडारी निम्न में से किस देश की सर्वोच्च पद पर चुनी गई पहली महिला है? तो याद रखना है 13 है नेपाल राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत में संघों और राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 28, नौ, बी ऑप्शन सही है। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 28 राज्य। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, 15वां, किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में कोई वित्त विधेयक नहीं पेश नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना इसमें किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में कोई वित्त विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल। ठीक, अगले वक्त, पीथू हलूतान किस देश की संसद का नाम है? तो याद रखना है म्यांमार। ठीक है, बात करते हैं 17वां, अमीर खुसरो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य एवं सूफी संत था। ठीक है, याद रखना, इसे तोता हिंद भी कहते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1375 में। ठीक है, बलवन से लेकर ग्यासुद्दीन तुगलक तक के राज कवि भी रहे। इनकी रचनाओं की बात करें तो तुगलकनामा, खजाइनुल फुतू इनकी प्रमुख रचनाएं। 18वां क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के लिए संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो याद रखना 5वीं, नीरज चोपड़ा किस खेल विद्या से संबंधित? तो याद रखिए यह है जेवलिन थ्रो। ठीक, 20वां, पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपको ये पता होगा, वर्षा का जल। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति एवं जनजाति को आयोग के किस अनुच्छेद में परिवर्तन कर संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया? डी ऑप्शन सही है, 338। ठीक है, आपको बता दें 2005 में 89वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो इसके अनुसार इसे दो भागों में बांट दिया, अलग अलग आयोग बना दिए गए, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए। 338 में अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग है और 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक है, याद रखना। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो आपको याद होगा फिरोजपुर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिए एच जे कानिया। ठीक है, याद रखिए। हेमादास क्या है? हेमादास है, तो याद रखिए एथलेटिक्स। 2018 का इन्हें याद रखिए अर्जुन अवार्ड भी मिला है। बोड़ो का संबंध किस राज्य से है? बोड़ो का संबंध किस राज्य से है? असम। 26, विजयनगर की स्थापना किसने की? विजयनगर की स्थापना किसने की? तो हरिहर ने। 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, मध्य प्रदेश में कपास हेतु काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना मालवा में। ठीक है, मालवा में। 38, क्वेश्चन नंबर 38, ग्रामीण व शहरों में रहने वाले 5 व्यक्तियों के एक परिवार के लिए गरीबी रेखा कितने कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है? तो याद रखिए यह है 2400 3000। बी ऑप्शन है। हॉकी में ओलंपिक 2016 का विजेता देश है? 29, अर्जेंटीना।
लद्दाख में किस बात को लेकर आंदोलन चल रहा था? संघ क्षेत्र की मांग। इकतीस, अहोम लोगों के पूर्वज जो 13वीं शताब्दी में कामरूप में आकर बसे थे, कहां से आए थे? बर्मा। मध्य प्रदेश में बैंक प्रेस नोट मुद्रालय कहाँ है? देवास में। बात करते हैं आगे। 33, भारत में चाय सबसे अधिक कहाँ होती है? असम। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में 1951 में। ठीक है, याद रखिए। पैंतीस, श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति कौन? गोटबाया राजपक्ष। छत्तीस, नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किससे अर्जित होती है? भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किससे अर्जित होती है? तो याद रखिए, आईटी सेवा से। डी ऑप्शन है। 38, अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं? जेफ बेंजोस। जेम्प बेंजोस। पिलासी विजय पिलासी किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पिलासी पश्चिम बंगाल में, याद रखिए। पिलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है। 40, मध्य प्रदेश में कोयले की खाने मुख्यतः किस कल्प की है? गौड़वाना कल्प। किस राज्य में झूम खेती सबसे अधिक होती है? किस राज्य में झूम खेती सबसे अधिक होती है? मिजोरम में। परमाणु बम के निर्माण में किस प्रक्रिया से काम लिया जाता है? परमाणु के निर्माण में किस प्रक्रिया से लिया जाता है, क्रिया से काम लिया जाता है? तो याद रखना, विखंडन। ठीक है, आगे है। सुपर 301 क्या है? आपको बता दें, सुपर ये है, सुपर 301 व्यापारिक अधिनियम है। इसका आरोपण अमेरिका द्वारा अमित राष्ट्रों पर अथवा आर्थिक प्रतिबंधों हेतु एक अस्त्र के रूप में किया जाता है। ठीक है। 44, कर्नल इस्लीमैन कौन थे? तो याद रखिए, फिंडारियों का दमन करने वाले। कर्नल इस्लीमैन कौन थे? पिंडारियों का दमन करने वाले। 45, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? डी होशंगाबाद में। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र घटते क्रम बताइए। तो याद रखिए, प्रथम पे घटते क्रम में। 42 की बात करूं, छत्तीसगढ़ है इसमें, फिर द्वितीय पे झारखंड, तृतीय पे उड़ीसा, और फिर चतुर्थ मध्य प्रदेश। ठीक है, पहले पर छत्तीसगढ़, दूसरे पर झारखंड, तीसरे पर उड़ीसा, चतुर्थ नंबर पर मध्य प्रदेश। फेनिसिलिन किसने बनाया? फेनिसिलिन किससे बनाया गया? फंगी से। लैंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। ठीक है, याद रखिए। फोर्ब्स की 2018 में जारी सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति कौन? तो याद रखिए, बी ऑप्शन सही है, सी जिनपिंग। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी? गांधी ने दांडी यात्रा कब की थी? तो याद रखना है आपको, गांधी ने दांडी यात्रा 1930 में, ठीक, 12 मार्च 1930 को शुरू की थी और 214 मील की दूरी पैदल चलकर 5 अप्रैल
1930 को दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल की सुबह समुद्र से एक खारे ले नमक तोड़कर नमक बनाया था। ठीक है, ऐसे ही नमक सत्याग्रह कहते हैं। गांधी बांधवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ तो याद रखना बाघ संरक्षण के लिए। इंक्यावन, किसी गणना के आधार पर वृहद जोत का औसत आकार कितना है? तो याद रखिए 2.2.30। बात करते हैं 52, सॉरी, जापान के प्रधानमंत्री कौन? शिंजो आबे। नाइट ईगल ऑफ इंडिया के नामक से कौन प्रसिद्ध है? नाइट ईगल गिल ऑफ इंडिया के नाम से, याद रखना, सरोजिनी नायडू। चंगन, लता मंगेशकर ने किस वर्ष लाल किले की प्राचीर पर ये मेरे वतन के लोगों के नाम गीत गाया था? 1962 में। फिर 55, चेस के सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथ आनंद। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? याद रखा, फोटो इलेक्ट्रिक के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। 57 है, सर्वाधिक भूकंप बाद ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं? वलित वलित बेंसन में। 58, सफेद प्रकाश की किरणों को विभिन्न रंगों से विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण। ठीक है, विकिरण। अब है क्वेश्चन नंबर 59, हवा के तापमान में नमी, आर्द्रता तथा संचार नियंत्रण की विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, उसे कहते हैं संवहन। 60 है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन और हीलियम। डी ऑप्शन सही है। 61, लोहे में किस क्रिया से में जंग लगता है? ऑक्सीकरण। 62, जिस विक्रिया में दो न्यूक्लियस मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संलयन। कौन सा सम्मिलित है? 63 का है, सी, लक्षद्वीप, कवराती। ठीक है, मिजोरम की है आइजोल, असम की है दिसपुर, दादर एवं नगेली की है सिलवासा। ठीक है, याद रखना। 64, भारतीय संविधान में पर्यावरण की रक्षा हेतु आम आदमी को भी जिम्मेदार बनाया गया है, भारतीय संविधान की किस धारा में उक्त प्रावधान दिए गए हैं? तो आपको याद रखना है 48A और 51G का, 51 का जी, मौलिक कर्तव्यों में और नीति निर्देशक में। ठीक है, 48A के तहत नीति निर्देशक और 51 का जी के तहत, ए जी के तहत होता है। 65 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? ट्रांस लेना। डी ऑप्शन सही। 66, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सबको पता होगा, 5 जून को। रीड राइड मेमोरी के लिए सही है, इस मेमोरी में प्रयोगकर्ता अपने प्रोग्राम कुछ देर के लिए स्टोर कर सकता है। साधारण भाषा में इस मेमोरी को रैम कहते हैं, यही कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी भी होती है। तीनों सही है, उपयुक्त तीनों। ठीक, 68, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड, फोटो डायोड। 69, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? तो याद रखिए एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक, 70, केंद्र सरकार केंद्र द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाएं की गई? तो याद रखिए इसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक, 71, अंडमान द्वीप में 4 जनजातियां अभी भी बाहरी सभ्यता से पूर्ण दूर पूर्णता जंगली जीवन यापन कर रही हैं, इनमें कौन सा इनमें शामिल नहीं है? तो याद रखिए सोमपेन, महान अंडमानी, जारवा, ओंगी है।
ठीक है, सोमपेन नहीं है। बात करते हैं 72, जिया मोदी। जिया मोदी है तो याद रखिए कॉरपोरेट मामलों के की विशेषज्ञ। 73 पन मुन जोंग का संबंध, किम जोंग का संबंध किससे है तो याद रखिए उत्तर कोरिया। पन मुन जोंग का संबंध है उत्तर दक्षिण कोरिया सीमा पर स्थित युद्ध विराम स्थल है जिसे अब शांति स्थल कहा जाता है। ठीक है, 74 व्यक्तियों की आयु किससे मापी जाती है, वलयों की संख्या गिनकर, सी ऑप्शन सही है। 75 संविधान में संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 368। 76 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 15 का के तहत अस्पृश्यता के निवारण से उत्पन्न अधिकारों को सुनिश्चित करने का कर्तव्य अध्यारोपित किया गया है, याद रखिए राज्य सरकार पर, सी ऑप्शन। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की सीमित है तो याद रखिए किसी भी विशेष समुदाय या धर्म के लिए। 78 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2) के तहत न्यायालय द्वारा कौन सी उपधारणा प्रकारित करने के संबंध में की जाएगी तो याद रखिए विशेष विशेष अत्याचार। ठीक है, विशेष अत्याचार की बात याद रखिए, विशेष अत्याचार है इसमें। ठीक, उन्यासी आर्थिक बहिष्कार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 की किस धारा में परिवर्तित किया गया है तो आपको याद रखना है इसमें होगा अपना खागा, धारा 2 खागा। ठीक, 80वां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अत्याचार की परिभाषा दी गई है तो याद रखना धारा 2 का। मानवाधिकार व राष्ट्रीय मानवाधिकार अपनी रिपोर्ट क्रमशः प्रस्तुत करते हैं तो 81 केंद्र सरकार व राज्य सरकार को। ठीक है, 82 मालवा का पठार की भौगोलिक स्थिति कितनी है, मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति कितनी है, 22 डिग्री 17 से 5 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री 6 से 22 17 तक और 74 59 से 69 20 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये ऑप्शन है। 83 मध्य प्रदेश में आय समूह की चट्टान किस रूप में पाई जाती है, ठीक है तो याद रखना है गोंडवाना सेल समूह। काली मिट्टी का पीएच मान होता है तो आपको याद रखना 6.3 से 6.4। ठीक, 85 तावा बांध की कुल लंबाई कितनी है, याद रखिए 1812 मीटर। यह तावा नदी पर है होशंगाबाद जिले में। ठीक, 86 कौन सी नदी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है तो आपको याद रखना है बेतवा। 87 भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है, मध्य प्रदेश। 88 भेल मध्य प्रदेश के किसके सहयोग से लगाई गई थी तो याद रखना ब्रिटेन 1964 में। 89 क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है, इंदौर में। गवर्नमेंट फोर्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप कहाँ पर स्थापित है तो याद रखिए जबलपुर। 91 राज्य का एकमात्र नर्सिंग महाविद्यालय कहाँ है तो आपको याद रखना है इंदौर। सम्मिलित करना है खेल अकेदमी और स्थान है तो ठीक है,
मार्शल आर्ट कहाँ है? भोपाल में। मार्शल आर्ट भोपाल में। तीरंदाजी ये जबलपुर। मलखम्ब जिम्नास्टिक उज्जैन। टेबल टेनिस इंदौर। मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ है? भोपाल। तीरंदाजी जबलपुर। मलखम्ब उज्जैन। टेबल टेनिस इंदौर। ठीक है, तो इसमें है चौथा, फोर्थ है। ठीक है, मितावली किस जिले में जीते थे? तो आपको याद रखना मुरैना। कथित काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? आचार्य केशव देव को। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब हुई? 1952 में। तानसेन सम्मान 2019 के प्राप्तकर्ता हैं? विद्याधर व्यास। ठीक है, 97वें क्वेश्चन नंबर। चंडी या चांडी देवी, चांदी देवी का मेला मध्य प्रदेश में किस जिले में लगता है? सीधी में। मनसोखा कहाँ का लोकनाट्य है? तो याद रखिए यह बघेलखंड का। 99वें क्वेश्चन नंबर। 99वें क्वेश्चन नंबर। 99वें, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? तो आपको याद रखना है दक्षिण के जिलों में। ठीक है, होशंगाबाद बैतूल छिंदवाड़ा हरदा खंडवा जिलों में। ठीक, फिर प्रोजेक्ट शक्तिमान किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह कुपोषण को कम करने के लिए। ठीक है, आपको बता दें। अब आगे देखेंगे हम लोग पांच, टेस्ट सेट नंबर 5। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे 6।